आलू की खेती इस बार काफी अच्छी हुई है। ऐसे में आलू का बाजार भी काफी अच्छा जा रहा है, जिससे माथाभांगा दो नंबर प्रखंड के पाराडूबी इलाके के किसान काफी खुश हैं। पिछले वर्ष आलू का अच्छा मूल्य न मिलने से उन्हें क्षति का सामना करना पड़ा था। स्थानीय किसान मोजेस मियां बाबला बस्तादार ने बताया कि आलू की पैदावार इस बार अच्छी हुई है और इस बार बाजार मूल्य भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए वे काफ़ी खुश हैं। इस वर्ष लगभग 1,20,000 रुपये के दर से प्रति ट्रक आलू बेची जा रही है। हिमगर खुल जाने पर इसका बाजार मूल्य और बढ़ जाएगा, इससे इस बार उन्हें काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। माथाभांगा दो नंबर प्रखंड के कृषि अधिकारी मलय कुमार मंडल ने बताया कि प्रखंड के कई इलाकों में लगभग 3500 हेक्टर खेत में आलू की खेती की गई है, जिसे काफी अच्छी उत्पादन हुई है और उम्मीद की जा रही है किसानों को इससे काफी फायदा होगा। 1,25,000 কৃষকের ফলন অত্যাধিক ফলন আছে আলুর চাহিদা ব্যাপক আসাম আর কোন শুধু আসামি দিচ্ছি আলু কিনছেন না আলু তো এখনো উঠে নাই ওঠা শুরু হয় নাই 10-15 দিন থেকে ওঠা শুরু হবে যদি তখন সেটা ফলন কিরকম হবে উঠার পরে বোঝা যাবে সেটা বর্তমানে পুকুরাজি উঠতেছে পুকুরাজি টুকটাক লোড করাই দিচ্ছে অন্যান্য প্রেমের ডাঙা বরিশের ডাঙা ফলগুড়ি থেকে কিনছি কিছু এবার তো চাষ নাই না পোকরা যায় টুকটাক দুই চার গাড়ি চাহিদা ভালো অনেক ভালো কত করে বিক্রি করলেন আমি আলু বিক্রি করলাম 1.25 ফলন বিঘাতে 105 প্যাকেট 2 প্যাকেট এরকম তুলনা কত বছরের তুলনায় মোটামুটি সমানই আছে।